नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ और उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। उत्तराखंड में अचानक मौसम ने करवट बदल ली। एक ओर राजधानी देहरादून में धुंध छाई रही तो वहीं हरिद्वार सहित अन्य मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में 14 फरवरी से मौसम के करवट लेने के आसार नजर आ रहे थे। मौसम विभाग ने रविवार से लगातार 3 दिन तक गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई हैं। मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आज मौसम सामान्य रहेगा तो वहीं 14 से 16 फरवरी तक गढ़वाल के उत्तराकाशी, चमोली और कुमाऊं के पिथौरागढ़ समेत अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और कम ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की संभावनाएं हैं, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। देहरादून में अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं जताई हैं। उत्तराखंड के चमोली में हादसे आज 7वां दिन है। अभी तक बचाव कार्य लगातार चल रहा है। अब तक मलबे में फंसे कई लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। आपदा के 7वें दिन तपोवन स्थित सुरंग में बड़ी मशीन से ड्रिल किया जाएगा। बता दें कि राहत बचाव कार्य लगातार वहां चल रहा है। आपदा में लापता 206 लोगों में से अभी तक 38 शव बरामद हो चुके हैं। वहीं 166 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में आई तबाही का आज 7वां दिन है। जिंदगी और मौत का संघर्ष जारी है। चमोली हादसे में हुए नुकसान के बाद अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए कई टीमें लगी हुई हैं। राहत की बात यह है कि सुरंग में 2 लोडर मशीनों से मलबा डंपर के जरिए बाहर लाया जा रहा है, जिससे मलबा हटाने के काम में तेजी आई है। एनटीपीसी के अनुसार सुरंग के अंदर 136 मीटर तक खुदाई की गई है और लापता 204 लोगों में से 38 के शव बरामद कर लिए गए हैं। तपोवन जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 3 इंजीनियरों समेत 35 कर्मचारियों तक पहुंचने में सुरंग के जरिए भारी मात्रा में मलबा आ रहा है। बचाव दल के समक्ष बड़ी बाधा बनकर सामने आया है। तो वही चमोली में आपदा के दौरान फुट ब्रिज टूटने के कारण कई गांव का संपर्क भी कट गया है। गांव में आवाजाही सुचारू करने के लिए सेना ट्रॉली का इस्तेमाल कर रही है। चमोली जिला प्रशासन के अनुसार 38 शव बरामद हो चुके हैं, वहीं 204 लोग अभी भी लापता हैं और कई मानव अंग बरामद हुए थे जिनके डीएनए सैंपल सुरक्षित रखे गए हैं। आपदा में बहे लोगों की नदी किनारे खोज जारी है। पुलिस, एसडीआरएफ और एसएसबी के जवान लगातार नदी किनारे अभियान में जुटे हुए हैं। सुरंग के अंदर जितना मलबा हटाया जा रहा है उतना ही पीछे से भी आ रहा है। वहीं बुधवार रात को टनल के अंदर ड्रिल करने की योजना बनाई गई थी और करीब 6 मीटर ड्रिल करने के बाद तकनीकी दिक्कतों के चलते इसे रोक दिया गया था। फिर से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चमोली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। एनटीपीसी की सुरंग में मलबा अधिक भरने की वजह से उसे हटाने में समय अधिक लग रहा है। राहत और बचाव कार्यों में और तेजी आ सके इसके लिए अलग अलग फोर्स और अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी राहत कार्यों की निरंतर समीक्षा की जा रही है। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 49 नए मामले मिले हैं और 2 मरीजों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश के 5 जिलों में एक भी नया मामला नहीं आया है। आपको बता दें कि अभी तक प्रदेश में 96,722 लोग संक्रमित हुए हैं। इसमें 93,013 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 638 एक्टिव केस हैं, वहीं 13,083 लोग राज्य से बाहर चले गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अलग अलग लैब से 9,894 सैंपल की जांच रिपोर्ट
प्राप्त हुई है, जिनमें 9895 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसमें देहरादून में सबसे अधिक 23 मामले आए हैं। इसके अलावा हरिद्वार में 11, नैनीताल में 6, उधम सिंह नगर में 4, चमोली में 2, चंपावत, पौड़ी और टिहरी में 1-1 व्यक्ति संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में रिकवरी दर अब काफी बेहतर स्थिति में है। हाल में रिकवरी दर 96.17% है। रुद्रप्रयाग में दिवसीय पौराणिक मंगल गीत मेले का रंगारंग समापन हुआ। मंदाकिनी की आवाज रेडियो केंद्र पर भी कार्यक्रम प्रसारित किया गया। बता दें कि 30 से 40 साल पहले उत्तराखंड के सभी गांवों में शुभ कार्यों पर मंगल गीतों का प्रचलन था। शहीदियों के अवसर पर मंगल गीतों का विशेष महत्व होता है। हालांकि आज मंगल गीतों को महिलाओं की जगह डीजे म्यूजिक पर बजाया जा रहा है, जिससे युवा पीढ़ी अपने पहाड़ी कल्चर और संस्कृति को धीरे धीरे भूलती जा रही है। पौराणिक मंगल गीतों की शैली को फिर से जीवित करने की अपनी पहचान देश विदेशों तक पहुंचाने के लिए केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने क्यूजा घाटी के भजड़ गांव में 7 दिवसीय प्रशिक्षण मेले का आयोजन करवाया है। मंगल गीतों की पौराणिक पुरानी परंपरा है, जो लगभग 50 साल पहले आम जन में केदार घाटी के गांवों में प्रचलित थी। शादियों में इनका प्रयोग होता था। मंगल गीत सिर्फ जो अभी जो प्रचलित है वो हल्दी हाथ वाले मंगल गीत प्रचलित है, जबकि हमारे यहाँ पौराणिक परंपरा में मेहमान के आने से पहले न्यू देर से शुरू करके और धारा मंगरा पुण्या पुजाई तक की ये मंगल गीत इसके हैं वो होते थे। तो हमने ये कोशिश करी है कि जो इसके गायक अभी बचे हुए हैं उनसे इनको नए लोग नए बच्ची के बच्चों को इनको सिखाने का काम किया। दूसरा इसका इस वर्कशॉप और इस मेले का सबसे रुड़की सिविल लाइन्स कोतवाली पुलिस ने 27 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पर 2500 रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी ने 1993 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बीईजी में नौकरी हासिल की थी, जिसके बाद बीईजी ने उक्त मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोपी के खिलाफ 1993 में बादी कर्नल सिंह नवकेश सिंह बीईजी सेंटर द्वारा तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया गया था। 2005 में रुड़की न्यायालय से आरोपी को फरार घोषित किया गया और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। इसी के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। व्यक्ति था जो कि फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे बीईजी रुड़की में भर्ती होना चाह रहा था, जिसपे की वहां के तत्कालीन कर्नल साहब ने मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद से जो मुलजिम था वो फरार हो गया। उस समय लगातार प्रयास किए गए होंगे निश्चित ही, और इस पर बस 2005 पे कोर्ट के द्वारा इसको मफरूर घोषित करते हुए इस पर इनाम दाखिल किया गया और 2018 में से 2500 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और इसका इनाम 5000 रुपये बढ़ा दिया गया। और हमारी जो टीम थी CIU की टीम और कोतवाली रुड़की की टीम, जो DGP साहब द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा था पुराने इनामी अपराधियों को खोजबीन में, उनके द्वारा ये टीम वहाँ पे पहुँची खोजबीन करते हुए और आज 27 साल बाद इस मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेज। सहसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर गांव में 3 साल पहले पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने वाले पति को अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ढकरानी नसीम अहमद की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त कारावास सजा काटनी होगी। इस पूरे मामले में 16 गवाहों में से 8 गवाहों का परीक्षण किया गया और इस मामले में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया। कोर्ट ने 2 दिन पहले इस मामले में आरोपी को दोषी करार देकर फैसला सुरक्षित रखा था। शुक्रवार को इस मामले में सजा सुनाए जाने की तिथि घोषित की थी। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर 6 महीने तक अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। 2 दिसंबर 2017 का मामला है। जयपाल सिंह जो कि शंकरपुर हुकूमतपुर का रहने वाला है, उसके किराए में राजकुमार और उसकी पत्नी रहते थे। तो उस दिन सुबह जब जयपाल सिंह अपनी ड्यूटी से आया सुबह 8:30 बजे,
तो उसने देखा कि राजकुमार खून से रक्त रंजित कुल्हाड़ी लेकर भाग रहा है। जयपाल सिंह ने राजकुमार को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार जो है शंकरपुर कॉलोनी की तरफ भाग गया। फिर जयपाल सिंह ने पुलिस में तहरीर दी, जयपाल सिंह को शक हुआ तो वो फिर ऊपर गया कमरे में राजकुमार के, तो वहाँ उसने दीवारों पर खून के। हरिद्वार के भगवानपुर तहसील में अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद 5 साल से धरने पर बैठे हैं। बालचंद ने सरकार से चमार रेजिमेंट बहाल करने की मांग कर रहे हैं और साथ ही मनरेगा में 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से पूरे साल रोजगार देने की भी मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद ने कहा कि इस मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भावनापुर ने उन्हें 2 बार जेल भेज चुके हैं, लेकिन वो अपनी मांगों पर लगातार अड़े रहे। आज हम भगवानपुर तहसील में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चमार यूनियन के जो 5 साल से धरने पर बैठे हुए हैं, आज उनसे बात करते हैं कि वे 5 साल से किस विषय को लेकर बैठे हुए हैं। आइए। मैं करीबन 5 साल से तहसील भगवानपुर में धरने पर बैठा हुआ हूँ। सरकार से मेरी मांग है, एक तो चमार रेजिमेंट बहाल होनी चाहिए और मनरेगा में 500 रुपये प्रतिदिन पूरे साल रोजगार मिलना चाहिए। और मांग मेरी एक और है, किसान के पास मेन फसल होती है 3, गन्ना गेहूं धान, इनसे भी मनरेगा में ही कार्य होना चाहिए, जिस तरह हमारे किसान को भी लाभ मिले और मजदूर को भी काम मिलेगा। जो आप 5 साल से यहाँ पर बैठे हो, आपकी कोई सुनवाई? हाँ, थोड़ा मेरे पास दिल्ली से एक लेटर आया था मोदी कार्यालय से, उसमें लिखा हुआ आया था आपके जितने भी लेटर हमारे पास आ गए, इसके सिवा और कोई आश्वासन नहीं मिला। और उसके बाद सरकार ने मुझे उठा कर यहाँ से, SDM साहब ने 2 बार जेल भी भेज दिया, और 100 बार भी अगर SDM साहब यहाँ से मुझे जेल भेजेंगे तो भी मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ, जब तक मेरी ये मांग पूरी नहीं होगी। रुड़की के निजी होटल में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड में हाउस टैक्स को सर्किल रेट से जोड़ने का विरोध किया गया। वहीं इस दौरान प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम रुड़की को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हाउस टैक्स माफ करने की मांग की गई। उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष धीर सिंह ने कहा कि कोरोना काल में सभी लोग प्रभावित हुए हैं, व्यापारियों के प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे, जिसके चलते व्यापारियों को टैक्स देने में काफी दिक्कत हो रही है। नगर निगम रुड़की इस हाउस टैक्स को पूरी तरह माफ करे और टैक्स विभाग को मुख्य नगर आयुक्त निर्देशित कर जमा किए गए हाउस टैक्स को भविष्य में समायोजित करने के आदेश पारित करे। हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी है, उन्होंने जिला और नगर की कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत मुझे भी आप सभी के प्यार स्नेह और सभी नगरवासियों के आशीर्वाद से मुझे भी नगर का जिला नगर में अध्यक्ष जिले अध्यक्ष का पद की जिम्मेदारी। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल मसूरी पहुंचे, यहां उन्होंने मसूरी के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। इस दौरान राज्यपाल गणेश लाल ने पहाड़ों की रानी मसूरी ने प्राकृतिक सौंदर्य की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और यहाँ जो भी एक बार आता है उसको बार बार यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता अपनी ओर खींच लाती है। उन्होंने कहा कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के कारण ही मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है और उन्हें यहाँ आकर आनंद की अनुभूति हुई है। आना कोई इधर पहली बार नहीं हुआ है मित्रों, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं वैसे, और इसलिए आप समझ सकते हैं कि हरिद्वार में आना लगभग हरियाणा के लोगों का सामान्यता रहता ही रहता है, तो इसलिए जब हरिद्वार आते हैं तो फिर मसूरी में आना भी स्वाभाविक बन जाता है। देहरादून, सहस्त्रधारा, कामपी फॉल्स एट्सेट्रा, ये सब बहुत बार इनको देखने का मन हुआ है, देखे हैं। आज हमारे साथ उड़ीसा प्रदेश के 2 ADCs और 4 PSOs और 2 स्टाफ नर्सेज, ऐसे करके 10-12 लोग ऐसे हैं, 2 डॉक्टर्स हैं। पूरी दुनिया में 14 फरवरी को हर साल वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। इस दिन प्रेमी जोड़े एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम का इजहार करते हैं।
तो वहीं विकास नगर पछवादून क्षेत्र में भैरव सेना वाहिनी ने वैलेंटाइन्स डे का विरोध कर रहे हैं। भैरव सेना वाहिनी के सदस्यों ने विकास नगर तहसील में उप जिलाधिकारी को वैलेंटाइन्स डे का विरोध ज्ञापन भी दिया है, जिसमें वैलेंटाइन्स डे पर भैरव सेना वाहिनी के सदस्यों ने इस दिन पर शहर की युवा युवतियों को चेतावनी दी है कि अगर कोई भी युवक युवती से वैलेंटाइन्स डे मनाते हुए दिखाई दिए तो उसका जमकर विरोध किया जाएगा। विरोध हमेशा होता आया है और हम इसलिए विरोध करते हैं कि यह सनातन संस्कृति के विरुद्ध है और पश्चिमी सभ्यता को अपने पर हावी ना होने दें, इसलिए हम लोग उसके लगातार विरोध करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर पति पत्नी का रिश्ता बड़ा अहम माना जाता है जो बंद कमरे के अंदर चलता है, लेकिन आजकल अश्लीलता फैलाई जा रही है हट्स में, जगह जगह सुनसान पार्कों में, जो कि हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। अच्छा, तो क्या करेंगे कल विशेष, क्या प्रोग्राम होगा? हमने शासन प्रशासन को संज्ञान में इनके दे दिया मामला। हम चाहते हैं कि पहले तो वो इस मामले को अपने स्तर से देखें और यदि हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं पर कोई मिलता है तो हम इस पर अपनी स्तर से कार्रवाई करेंगे, जो जिस तरह का मामला मिलेगा उसका उस तरह से इलाज किया जाए। हाँ, इन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, कल जो है इस पे सारी जगह पे छापेमारी की जाएगी, जहाँ अवैध होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज ज्ञापन कहाँ से दिया गया है? ये देवभूमि भैरव वाहिनी द्वारा दिया गया है। जैसे कोई वैलेंटाइन डे पे कोई अश्लील हरकत पाया गया तो उसके लिए कुछ क्या क्या काम प्रावधान है, कैसे उसके खिलाफ फिर जो है पुलिस में वो कर दी जाएगी, पुलिस के हवाले कर दी। बसूरी में पर्यटक और स्थानीय लोग प्राकृतिक सौंदर्य का जमकर लुफ्त उठा रहे हैं। राजपुर से झड़ी पानी तक ट्रैकिंग मार्ग पर सड़कों की संख्या में पर्यटकों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ कई प्रकार के पशु पक्षी विचरण करते रहते हैं, जिसका दीदार करने के लिए देश विदेश से कई पर्यटक आते हैं। सैकड़ों पुरातन छात्रों के साथ आए ग्राफिक एरा के कमल घनशाला ने बताया कि वे पिछले 25 सालों से लगातार इस ट्रैकिंग रूट पर आ रहे हैं और अब तक वे लगभग 100 से भी अधिक बार यहां आ चुके हैं। यहां आकर उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, साथ ही उनके साथ में कई पुरातन छात्र भी इस ट्रैकिंग रूट पर आते हैं। देखिए, प्रकृति का ध्यान रखते हुए, ठीक है, जो नेचर है उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ किए बिना अगर कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये फिर कंक्रीट का जंगल बन जाएगा और फिर इस रूट में चलने का कोई मज़ा नहीं रहेगा। जैसे हम नीचे शुरू होते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं और उन बोर्ड में अंग्रेज़ों के ज़माने में लोग पैदल बहुत चलते थे क्योंकि टोल टैक्स बहुत देना पड़ता था जो बस से जाते थे, तो बहुत से लोग पैदल चलते थे, तो वहाँ रेट लिखे हुए एक आना दो आना, एक दो तीन वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं उस ज़माने के, जो एक तरह से धरोहर है, पुराने समय की याद है, तो उनकी हालत बहुत ख़राब है अगर आप देखें, लोगों ने उसमें गाय भैंसें बात। हरिद्वार में देर रात भेल एरिया सेक्टर एक में इलाके में आग लग गई जिसमें कई पशु पक्षी जलकर राख हो गए। बता दें कि भेल एरिया के इलाके में गरीब मजदूर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। वहीं जब देर रात आग लगने की सूचना मिली तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कई पशु जलकर राख हो चुके थे। हम लोग लड़के में दूसरी बस में सो रखे थे, घर वाले जो है मतलब जानवर के साथ मतलब सो रखी थी। अब इसे तब पता लगा मतलब जब ये खुद जलने को आ गई, अब ये नहीं पता आग कैसे लगी, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। जब जैसे इसने मतलब आवाज़ दी, जैसे हम निकले, तब तक मतलब आग ने जो मतलब अपना रूप धारण कर चुका था। बकरे जानवरों को बचाने की बहुत कोशिश करी, मतलब गाय को तो बचा दिया, जैसे तैसे मैं भी जल गया बड़े। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।